हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका व्लॉगिंग वर्ल्ड। मैं हूँ मोनिका, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज है गंध अमावस्या। अगर आप साउथ इंडियन हैं तो आपको पता होगा गंध अमावस्या मीन्स हम लोग आज पके आम की पूजा करते हैं और पका आम आज से खाना शुरू करते हैं। जैसे कच्चे आम की पूजा करते हैं ना, वैसे ही गुड़ी पाड़वा के दिन वैसे ही हम लोग आज गंध अमावस्या के दिन पके आम की पूजा करते हैं। और आज तिथि के हिसाब से लिखित का बर्थडे है, और जब मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ आज पता नहीं बहुत मीन्स कुछ ना कुछ ट्रबल हो ही रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो शूट किया था तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, म्यूट हो गया था वॉइस, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कैसे हुआ मुझे नहीं पता। और जैसे मैंने अभी कैमरा निकाला है बिजली गुल हो गई है, बिजली तो गुल हुई और साथ ही साथ भरत को भी उठा दिया है क्योंकि फ़ैन अगर बंद होता है तो भरत उठ जाता है। भरत को सेंसर लग गया है कि फ़ैन बंद हो गया है अब उठना है, तो ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखिए मेरे पीछे उस तरफ कपड़े रखे जो मैंने मैरिज एनिवर्सरी के लिए और लिखित के बर्थडे के लिए ख़रीदा था। मैंने वो वीडियो शूट किया था पर वो वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो जब हम पहनेंगे तब आप लोग को दिखाई दूंगी। और भरत बहुत ही बदमाश हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गया है। इतना बदमाश हो गया है ना कि सो नहीं रहा है, बस तब सोता है जब मैं उसके बाजू में रहती हूँ तभी सोता है, नहीं तो उठ जाता है। अभी जस्ट मैं उसके बाजू से उठी हूँ और उठ गया। क्या मेरे हाथ में कुछ हुआ है क्या, या थोड़ा सा मोटा मोटा टाइप स्वेलिंग टाइप लग रहा है ना, ये आइस में लास्ट टाइम हुआ था शायद से, ये आइस में तब से ऐसा रह गया क्या पता नहीं कोई भी है। पर मुझे कुछ पेन वगैरह कुछ महसूस नहीं हो रहा है, और नॉर्मली ऐसे देखने से नहीं हो रहा है पर कैमरा में पता चल रहा है। देखिए ये आइस, और ये आइस के नीचे थोड़ी स्वेलिंग लग रही है, ये आइस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब और गरीब टाइप से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये भरत से प्रॉब्लम ये है मुझे कि उसको मम्मा बाजू में चाहिए सोने के लिए, और उसके बाजू में एक ही तरफ सोते सोते ना मुझे एक साइड पेन स्टार्ट हो गया। पहले लेफ्ट साइड सर दर्द देता था ना, और अभी वो पेन शोल्डर तक आया है, हैंड्स तक आया है। तो आज शाम को जमेगा तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे दिखाने के लिए कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। आधे नींद से उठा है तो देखिए कैसे कर रहा है, क्या कर रहे हो हंस रहे हो, जाओ अनया को उठाओ जाओ। तो जाएंगे सोच रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और वो क्या कहते हैं पता नहीं। और कल संडे है, मंडे को मेरा मैरिज एनिवर्सरी है तो मेरे हस्बैंड ने लीव लिया है 2 दिन, तो कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं पर पता नहीं अभी तबीयत कैसी रहती है। थोड़ा सा बॉडी वीक है, मुंह पूरा कड़ू कड़ू है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, फीवर है शायद से, मैंने टेम्परेचर वगैरह चेक नहीं किया है, खुद के बारे में बता रही हूँ। और ऐसे में अगर कहीं घूमने भी जाते हैं ना तो बच्चे भी परेशान करते हो, फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होता है। तो अभी कुछ प्लान नहीं किए, प्लान करूँगी तो ज़रूर आप लोग को बताऊँगी। घर के ऑलमोस्ट काम कर ली हूँ, खाना बनाना है, लिखित के लिए बना दिया है, और अपने लिए पालक रोटी बना रही हूँ, मम्मी पालक पराठा बना रही हूँ। और हाँ, आज स्पेशल क्या है तो कल ही मैंने ना मावा गुजिया बना के रखा था, जूसी बहुत ही टेस्टी बना, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने निशा मधुलिकर मैडम का रेसिपी ट्राई किया है और बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी वाला बन गया है। वो लास्ट मैंने कब खाया था, हाँ जब लिखित पेट में था ना, तो ये करते हैं ना क्या बेबी शावर गोद भराई करते, तो तब मैंने खाया था। उसके बाद बीच में एक आधी बार खाया होगा मुझे याद नहीं, और सोचा बहुत अच्छा लगता है टेस्ट, तो ये बार बनाया है तो बहुत अच्छा बना है। भरत अच्छा बना क्या, अच्छा बना, भरत बोल रहे हैं मामा मुझे तो खाने दिया ही नहीं, अच्छा क्या बना मैं क्या बताऊँ, है ना बेतू ना क्या। भरत और लिखित ना मोस्टली मेरे ट्राइपॉड से खेलते रहते हैं,
वाओ लाइट आ गई है। तो चलिए क्या क्या किया मैंने वो आप लोग को साथ शेयर करती हूँ, और मावा गुजिया की रेसिपी पूरी नहीं पर थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... through the highways and on and on we'll go.
5:30-6:45 हो रहा है, घड़ी फास्ट है ना तो मुझे टाइम बराबर समझ में नहीं आता है। हम लोग रेडी है, भरत और लिखित भी रेडी है नए कपड़े पहन के, और यहाँ से बहुत मस्त धूप आ रही है। तो देखिए मेरे बाल थोड़े बहुत शाइन कर रहे हैं, मैंने मेहंदी लगाया था तो कैसा लग रहा है देखिए, और बहुत ही सिल्की हो गया है। मैंने एग डाल के लगाया था, एग और कर्ड डाल के लगाया था, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे खुद के, मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इतनी अच्छी लाइटिंग आ रही है ना, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को लेके थोड़ा मंदिर के पास तक, जब यहाँ हमारे घर के बाजू में एक टेम्पल है गणेशा टेम्पल, वहाँ लेके जाऊँ। लिखित जाएंगे क्या? लिखित मोरिया बेबी जाएंगे क्या? दरवाज़ा बंद कर पहले, बंद कर। जाएंगे क्या? जाएंगे ठीक है। तो लिखित का साइकिल भी चलाना हो जाएगा और हम लोग भी थोड़ा घूम के आएंगे। भरत ने और लिखित ने नए कपड़े पहने हैं। लिखित नॉर्मली मैं नए कपड़े नहीं पहनाती हूँ सैटरडे से, और ये कपड़े मैंने पहले ही पहना दिए थे हल्दी लगा के, इसलिए आज पहना है। हाँ ये देख लीजिए लिखित का न्यू ड्रेस। कपड़े नीचे करके दिखाओ ना, पेटू दिखाना है क्या सबको? देखो वो देखो, थोड़े कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे लगा मेरा बच्चा बड़ा है, पर अब जब पहनाने के बाद पता चला नहीं, मेरा बच्चा अभी भी छोटा है। तो एक्चुअल में मैंने 2-4 ईयर्स का लेने की सोच रही थी, लिखित 3 ईयर्स का है, पर क्या हुआ ना, मैंने कहा मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा है, 4-6 ईयर्स का लूँगी बोल के मैंने लिया, और वो बहुत ही बड़ा हो गया है। अब एक्सचेंज कौन करने जाएगा? एक दो बार पहनेगा, उसका मन भर जाएगा, साइड में रख देगा, फिर बाद में पहन लेगा। और बच्चे के कपड़े नॉर्मली बड़े ही लेने चाहिए क्योंकि बच्चे बढ़ते हैं। देखिए दोनों चुम्मा चाटी कर रहे हैं, और इधर से देखिए कितनी अच्छी वाली धूप आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो रोशनी पड़ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं मंदिर के लिए निकलते हैं, फिर मिलती हूँ। सो गाइस प्लानिंग तो किया था पर उसको कुछ फुलफिल नहीं कर पाया। ये देखिए दोनों भाई झगड़ रहे हैं ट्राईपॉड के लिए, अपकमिंग यूट्यूबर्स है ये, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा फ्यूचर में। तो ये था मेरा छोटा सा दिन, कैसा लगा आप लोग को मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।